हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दो दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ, पढ़ाई के साथ साथ खेल आज के युवा की जरूरत, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिव। 3 जनवरी 2022 युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के स्वायत्त शासी संगठन नेहरू युवा केंद्र बाड़मेर की शिव ब्लॉक स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का सोमवार को ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारका प्रसाद शर्मा ने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आज के युग में शिक्षा के साथ खेल भी जीवन का अभिन्न अंग है। खेलों से युवाओं में रोजगार के भी विकल्प खुलते हैं। इस दौरान वॉलीबॉल, कबड्डी की प्रतियोगिताएं हुई, एथलेटिक्स प्रतियोगिता आज होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य NS पनवार ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से युवाओं को मंच मिलता है, जिनसे वे अपनी प्रतिभा निखार सकते हैं। सहायक आचार्य मदन गोयल ने खिलाड़ियों को खेल भावना और अनुशासन में रहकर खेलने को कहा। निदेशक केदार पनवार ने कहा कि खेल से शरीर स्वच्छ और तंदुरुस्त रहता है। प्रतियोगिताओं में शारीरिक शिक्षा ने निर्णायक की भूमिका निभाई। प्रतियोगिता संयोजक मोती सिंह राजपुरोहित ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन शारीरिक शिक्षक स्वरूप दान ने किया। आज होगा समापन। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आज दोपहर को समापन एवं पुरस्कार वितरण होगा। समापन कार्यक्रम में शिव प्रधान सहित विभिन्न अतिथि शिरकत करेंगे तथा प्रतियोगिता के फाइनल विजेताओं को मोमेंटो प्रदान कर पुरस्कृत करेंगे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराम मेघवाल की रिपोर्ट।